नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% और अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 13% करने के सरकार के फैसले के बाद अब सवर्ण वर्ग के लोग मुखर हो गए हैं। इसी कड़ी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधिमंडल 10% आरक्षण की मांग को लेकर सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सवर्ण वर्ग के लोगों ने 10% आरक्षण दिए जाने की सीएम भूपेश बघेल से मांग की है। मुख्यमंत्री निवास पर आए सवर्ण समाज के लोगों की बातों को मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना और जल्द आरक्षण लागू करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा है कि सवर्ण वर्ग के लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, बहुत जल्द आरक्षण को लेकर अध्ययन करके फैसला लिया जाएगा। सभा में पारित हुआ था, उसे लागू करने की मांग यहाँ के सामान्य वर्ग के लोगों ने किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात कही है और उनकी बात मैंने ध्यान से सुनी है और सभी साथियों से बात करके इस मामले में जल्दी फैसला कर। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया तो कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का कहना है कि आरक्षण का फायदा उन्हें मिलता ही नहीं है क्योंकि उनका वक्त खाने पीने का इंतजाम करने में कट जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने जनता का कुछ अच्छा सोचकर यह फैसला लिया होगा और कुछ लोग इसे नगरीय निकाय चुनाव का स्टंट बता रहे हैं। आम पब्लिक जो है गरीबी स्तर के जीवन यापन करने वाला, मतलब कोई आरक्षण नहीं है, न कहीं कोई सुविधा नहीं, ये सब चुनाव जीते के प्रक्रिया है, ओकर से हमें कुछ फायदा नहीं मिले। काबर की छोटे छोटे परिवार के बाल बच्चे उनको ज्यादा पढ़े लिखे रहे नहीं तो ओकर से हमें का फायदा होता। ये तो पहले से 32% था, इसको कम करके 29 कर दिया गया था, उसके बाद फिर 32 कर दिया गया, मतलब यथावत जैसा था वैसा रह के रख दिया गया। तो इससे तो एसटी, मैं जो कि एसटी हूँ, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ फायदा हुआ है विशेष करके। और बाकी आरक्षण दिया गया है ओबीसी कोटा को तो सरकार द्वारा कुछ सोच समझ के ही दिया गया होगा, तो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर। खबर रायपुर से है जहां पर पेंड्रा, मरवाही और गोरेला की जिला बनाने की घोषणा के बाद वहां के स्थानीय लोग ढोल नगाड़े लेकर मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर स्थानीय लोगों ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में उस क्षेत्र के लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री का आभार जताने आए लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा कर बहुत बड़ा काम किया है, वहां कांग्रेस विधायक नहीं है तब भी इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। सीएम ने कहा कि अब जल्द वहां कलेक्टर की नियुक्ति होगी। हमारी 20 सालों की जो महत्वपूर्ण जो मांग थी पेंड्रा गवर्डला तीनों ब्लॉक को जिला बनाने की, 20 साल से वहां की जनता जो संघर्ष कर रही थी, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने के द्वारा उसकी जो घोषणा की गई है उसके लिए आज हम सभी यहां पे आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने हर बार बोला कि हम जिला बनाएंगे, लेकिन लगातार 3 पंचवर्षीय में जनता ने उनको शासन दिया, उसके बावजूद उन्होंने जोगी जी से सांठगांठ करके पेंड्रा को जिला नहीं बनाया। हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करने आए हैं कि उन्होंने क्षेत्र की समस्या को समझा और उन्होंने जो अभी तक लोग नेता लोग वहाँ की राजनीति कर रहे थे और क्षेत्र को इस जिले की सुविधा से वंचित कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया और जो माननीय भूपेश बघेल जी ने बोला उसको पूरा किया। हम उनका आज आभार व्यक्त करने आए। बहुत बहुत बधाई, उनको नया जिला मिला क्योंकि जिला मुख्यालय बिलासपुर 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, उनको हर छोटे छोटे काम के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता था, अब वो दूरी कम हो गई है, उनका खुद का जिला हो गया और उसमें काफी उत्साह। छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही मंत्रालय या किसी भी सरकारी कार्यालय में होने वाली बैठक का आयोजन में मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोसा जाएगा। कप प्लेट से लेकर पानी की बोतल भी मिट्टी से ही बनी होगी। ग्राम उद्योग विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार करके सभी विभागों में पहुंचा दिया है। इस प्रस्ताव पर ग्रामोद्योग विभाग मंत्री गुरु रुद्र से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्य राजपूत ने। सरकारी कार्यालयों में बहुत ही जल्द प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, जो स्टील के बर्तन है, वो गायब होने वाले हैं क्योंकि ग्रामोद्योग विभाग से प्रस्ताव भेजा गया है कि मिट्टी का बर्तन उपयोग हो। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी गुरु जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा प्रस्ताव में क्या है। पूरा हमारे ग्राम उद्योग विभाग में
माटी कला बोर्ड करके एक एक घटक है जिसमें हर प्रकार के बर्तन मिट्टी से बनाए जा रहे हैं, चाहे कप प्लेट हो, डाइनिंग सेट हो, चम्मच हो, इवन पीने के लिए जो पानी की बोतल रहती है वो भी हम बना रहे हैं। और इसी बहाने जो बहाने लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। तो ये एक विभाग की हमारे तरफ से एक पहल है कि जितने भी सरकारी जगह है, चाहे जैसे कि मंत्रालय हो, जितने भी सरकारी रेस्ट हाउस हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल पहले हम शुरू करें। साथ ही साथ ये ना प्राइवेट सेक्टर पे भी अवेलेबल है, जैसे अपना रायपुर में हॉट बाजार है, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हमारे विभाग की दुकान है, शॉप्स है, वहाँ पे सारे प्रकार के ना बर्तन अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही साथ अभी जैसे कि ना प्राइवेट सेक्टर में नवैद वाले हैं, इन लोग मिट्टी नहीं मिट्टी के ना बर्तन में इन लोग देते हैं, तो ऐसे लोगों से भी ना हमारी चर्चा चल रही है, तो कई लोग हमसे लेने को भी तैयार है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज में ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में जो आप जो बर्तन जो लेते हैं, जैसे कि बोन चैना के ना बर्तन आप लोग लेते हैं मेहमानों को खिलाने के लिए, जो कप प्लेट जो लेते हैं उससे बहुत सस्ता पड़ता है। आपने जितनी जगह प्रस्ताव भेजे हैं तो वहाँ से क्या अप्रूवल मिल चुका है अब तक? अभी अभी भेजा है तो निश्चित तौर पे हमारी जो सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, पर्यावरण संरक्षण पे विशेष तौर पे हमारा ध्यान है, और इस दिन प्रोडक्ट से पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है तो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। ये तो अभी आपने सुना मंत्री गुरु रुद्र जी को, जिनका साफ कहना है कि जो पर्यावरण संरक्षण के लिए और जो बेरोजगार हैं, जिन कुम्हार जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके पहचान के लिए, उनपे तेज लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता रमेश बैस रविवार को पहली बार रायपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि 20 जुलाई को रमेश बैस की त्रिपुरा के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की गई थी और 29 जुलाई को उन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने उन्हें शपथ दिलाई थी। और राज्यपाल का संवैधानिक पद संभालने से पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरा एक बहुत सुंदर शहर है, प्रदेश है, और महाने द्वापर और त्रेता दोनों युग का वहां पर वर्णन मिलता है। इनाल मैं बोलूं, त्रिपुरा बहुत अच्छा राज्य है और उसको ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण देने के लिए पारित किया गया कानून छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने से रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सरकार पर हमला बोला। सोनी ने कहा है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के कानून पारित लंबा वक्त हो गया है, भी पारित हुए, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार को इसे लागू करने में आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा है कि हर वर्ग की प्रगति के लिए यदि कोई व्यवस्था बनाई गई है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि स्वर्ण जो आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्थिति कुछ साफ नजर नहीं आ रही। केंद्र में आरक्षण पास किए बहुत लंबा समय हो गया है और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को देने में आपत्ति क्या है, देना चाहिए। मैं पिछड़ा वर्ग का हूं लेकिन हर वर्ग को अगर शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रगति के लिए अगर कोई व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी तत्काल लागू करना चाहिए। वही गीदम में 50 बिस्तर वाले अस्पताल के 10 वार्डों में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गीदम पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने पर बची अफरा तफरी के बीच वार्डों में भर्ती मरीजों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अस्पताल में आग पर काबू पाने वाले उपकरण भी एक्सपायर बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन को विलंब हुआ। नगरपालिका, फायर ब्रिगेड, गीदम पुलिस और अस्पताल कर्मचारियों ने साथ मिलकर आग बुझाने का काम किया। कांकेर के अमाबेड़ा क्षेत्र में सर्चिंग टीम ने 5 आईईडी बरामद किए हैं। वहीं 15 अगस्त को नक्सलियों की लगाई गई आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी और दूसरे आईईडी बम को पुलिस ने बरामद करके निष्क्रिय कर दिया था। पुलिस की माने तो नक्सलियों का आईडी एक्सपर्ट भास्कर रेड्डी इन दिनों आमाबेड़ा क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों के कुमारी एरिया कमेटी के साथ काम कर रहा है। वह आईडी प्लांट कर
सर्चिंग पार्टी को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। उसके आने के बाद से क्षेत्र नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते कुछ महीनों से नक्सली अपनी रणनीति बदलकर काम कर रहे हैं और सामने से वार न करके टिफिन बम, कुकर बम, प्रेशर बम, आईईडी बिछाकर सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। दो आदमी यानी कि आईडी एक्सपर्ट निश्चित रूप से होते हैं। अभी यानी कि जो अमाबेड़ा थाना क्षेत्र में जो आईडी ब्लास्ट हुआ उसमें पुलिस के पास सूचना है कि एक भास्कर रेड्डी करके डीवीसी मेंबर है, वो आया है, वो आईडी एक्सपर्ट है, ऐसे बताया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चैन स्नेशर ग्रह सक्रिय होता नजर आ रहा है। कल देर शाम चौबे कॉलोनी में पैदल जा रही एक महिला को दो बाइक सवार युवक चैन लूटकर सुबह भाग गए और घड़ी चौक के पास बाइक से जा रही युवक से भी चैन स्नेचिंग की घटना सामने आई है। आज सवेरे थाना सिविल लाइन पे घड़ी चौक के पास में एक चैन स्नेचिंग घटना हुआ है। इसमें दो लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, अभी जानकारी ले रहे हैं। आज सवेरे थाना सिविल लाइन पे घड़ी चौक के कजूल में छापामार डॉक्टरों के गलत इलाज से उपवन मंडल के चांदन बीट के वन विभाग में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक के पुत्र और पड़ोसी ने बताया कि मृतक स्वस्थ था और केवल कंधे पर मस्से का इलाज कराने के लिए ग्राम बया में डॉक्टर के पास गया था, लेकिन क्लिनिक में ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टर रोशन रात्रे पर गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इलाज सही था तो उन पर पुलिस में शिकायत न करने और तुरंत अंतिम संस्कार करने का दबाव क्यों बनाया गया। गरीबी के चलते असहाय आदिवासी परिवार ने क्षेत्रीय नेता के हस्तक्षेप के चलते शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं डॉक्टर क्लिनिक में ताला लगाकर गायब है। कल गए जैसे परसों भी गए जैसे परसों घटना कल गए कल सुबह के बजे के लगभग देर से काली चार बजे देखे हम बहु मतलब बोले वाले तो वो हिम्मत नहीं करे बोले वाले तो मैं आके फोन ले तो मुला बोली चाचा देखो तो ये मोटू के ख्याल ना ला मोटू मोटू को चिल्ला था ऊपर जाते ही हॉस्पिटल में खत्म हो गई है पूरी सीधा डायरेक्ट। कोरबा के ड्रेंगू नाला में युवक का शव बहता देख जो लोग वहां मौजूद थे उनमें सनसनी फैल गई। शव लाश अर्धनग्न हालत में थी और बालको थाना के अंतर्गत डेंगू नाले की है घटना। मौके पर पुलिस पहुंचे और फोरेंसिक एक्सपर्ट के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डेंगू नाला में एक अज्ञात व्यक्ति का लाश ग्रामीण लोग देखे थे जिसकी सूचना जो है थाने को दी गई है। क्योंकि लाश अज्ञात है इसलिए उसका तस्दीक किया जा रहा है, जैसे शिनाख्त हो जाएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल अभी एसएसएल अधिकारी को बता दी गई है, वो भी पहुंच रहे हैं और साथ ही उसको अभी तत्काल ही पीएम के लिए भेजने का तैयारी चल रहा है, उसको निकाल करके पीएम के लिए भेजेंगे। पखान जोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई ही कर नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। जो पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से रेप किया था। आरोपी ने 6 माह तक छात्रा को शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म करता रहा। जब गर्भवती हो गई तो फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल आरोपी ने और जो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एक 26 वर्षीय आरोपी पवित्र विश्वास ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। जो युवती है अभी नाबालिग 6 माह से गर्भवती है और रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। बीकापुर से लगे भिट्टी कला में सिगरेट की धुएं की बात को लेकर हुआ विवाद, जिसमें खूनी संघर्ष में बदल गया और इसी खूनी संघर्ष में
चले धारदार हथियार से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। भिट्टीकला गांव में देर रात शराब के नशे में युवक अपने दोस्तों के साथ सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था कि तभी वहां सामने खड़े कुछ युवकों ने धुआं दूसरी तरफ उड़ाने की बात कही, लेकिन इसी दौरान शराब के नशे में दोनों पक्ष के युवकों ने तनातनी हो गई और गांव के दूसरे गुट के लोगों ने युवकों पर चाकू और टांगी से हमला कर दिया। प्यारे यादव, उसको मना किया कि तुम सिगरेट पी के इस तरफ मेरे तरफ धुआं मत फेंको, और उसी बात को लेकर दोनों का आपस में वाद विवाद हुआ, जिस पर से हेमंत ने अपने परिवार वालों को बुलाया और उसके परिवार का जो विजय यादव है वो दुलारे यादव को चाकू मार दिया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर कांकेर से है, जहां पर बस में सफर कर रही चारामा क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी का पीछा कर रहे एक युवक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। परेशान नाबालिग की मदद बस में सफर कर रही चाइल्डलाइन टीम की एक सदस्य ने की। पुलिस ने युवक को बस से उतारकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि किशोरी जगदलपुर में पढ़ाई करती है। तो वो गांव का लड़का है, उन्हीं के गांव का लड़का है जो उससे पीछा करता हुआ जा रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे उनके साथ एक CWC में अधिकारी है, वो उनसे फोन बनकर उसने कॉल की और अपने घर वालों को सूचना दी, उसकी तो कोशिश की हमें भी सूचना मिली, तो हम भी बस स्टैंड आए हैं और यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मामला है। फीस वृद्धि को लेकर एक बार फिर बिलासपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल में पालक धरने पर उतर आए हैं। उन्होंने हटाने के लिए बाउंसर तक का प्रयोग किया गया, लेकिन जब मामला गड़बड़ाने लगा तो झूमा झटकी होने लगी। तब पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को समझाइश के बाद शांत कराया गया। आपको बता दें कि शहर के पालक संघ के द्वारा लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस वृद्धि और अवैध वसूली का विरोध आंदोलन चलाया जा रहा है। बिलासपुर के कलेक्टर साहब के आदेश को नहीं मान रहा, उस परिक्षेत्र में सेंट जेवियर व्यापार विहार भी है, यहाँ पर 11वीं और 12वीं का एफिलिएशन नहीं है, उसकी क्लास लगाई जाती है। यहाँ पर टीचर को 12 महीने का फी पेमेंट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर 9th के बाद बिना कोचिंग के बच्चा एजुकेटेड नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। हमारा जो भी डिसीजन हुआ है कलेक्टर साहब का और DO साहब के सामने, जैसे उनके निर्देश अनुसार हमने कर रहे हैं काम। हमारा 90% पेरेंट्स का फीस दे चुके हैं अभी तक का, अभी 10% पेरेंट्स है। कुछ पेरेंट्स लोग का परेशानी है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप आके मिलिए, लेकिन वो दूसरे तरीके से उसको डील करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ कह नहीं। वहीं जशपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर पुलिस बगैर लाइसेंस और शराब पीकर अंधाधुंध वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करेगी। इस अभियान से सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। यातायात नियमों को समझाने के लिए पुलिस गांव-गांव और स्कूलों तक पहुंचकर लोगों को जानकारी दे रही है। जो अव्यवस्था है इसको, इसके लिए अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक ठाक हो इसके लिए अपन कर्मचारी लगा के रखे हैं और उसको बीच बीच में अलग से आदमी कर्मचारी ला करके उनको कार्रवाई भी करते हैं। रायपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने और करोड़ रुपए प्रतिमाह फूका जा रहा है, बावजूद सड़कों चाक चौराहों में दम घोटू बदबू से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में नगर निगम की इस योजना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक राजधानी के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कचरा सड़क में दिखेगा। वहीं नगर निगम को अपनी इस योजना में कोई खामी नजर नहीं आ रही है और वो इसके विस्तार में लगे हैं। इस योजना की असलियत का जायजा लिया स्वराज संवाददाता सत्य राजपूत ने। क्या आज राजधानी स्वच्छ है, इसका नजारा दिखाने के लिए हम आपको आज दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये बस स्टैंड मार्ग है जहां पे आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है, उसके बावजूद यहां पे इतने कचरा इकट्ठा है और निगम का दावा है कि वो 100% कचरा को इकट्ठा करके वो सही जगह में उनका निष्पादन कर रहे हैं। उसके बावजूद इतने कचरा पूरे शहर मोहल्ला में इस तरह से मेन मार्ग में होना निगम के दावा का पोल खोल के रख दी है। तो आइए चलते हैं, हम आपको और भी अन्य वार्डों का दृश्य दिखाते हैं जहां स्वच्छता को लेकर क्या स्थिति है।
इस वक्त हम राजधानी के पंडरी बस स्टैंड के पागरिया कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कचरे का ढेर लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स के बाहर, और निगम कहती है कि वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं, सफाई में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ये कचरा देखकर आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम अपने काम को लेकर कितने सतर्क है, या आखिर निगम जब डोर टू डोर कचरा 100% इकट्ठा करने के दावा कर रही है तो ये कचरा आखिर आ कहां से रहा है। आइए हम आपको अगले वार्ड में लेकर चलते हैं। इस वक्त हम दुर्गा नगर पहुंच मार्ग में खड़े हैं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की स्थिति आपको दिखाएं। ये कचरा आप देख सकते हैं, ये एक दिन का नहीं है बल्कि यहाँ पे एक गीला एवं सूखा कचरा दोनों है। यहाँ पे बदबू का भंडार है, यहाँ से गुजरना मतलब बीमारी को न्योता देना है। लेकिन निगम ने 100% कचरा उठाने का दावा कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान के बिगुल फूंक रहे हैं, स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों फूके जा रहे हैं, बावजूद पूरे शहर के कोने कोने में इस तरह की गंदगी व्याप्त है। नालियों की स्थिति आप देख सकते हैं कि नाली किस तरह से पूरे कचरों से भरा हुआ है। अगर बारिश हुई तो यहाँ पूरा पानी भर जाएगा, पानी का पूरा जमावट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्थिति कि किस तरह से राजधानी कचरों के ढेर में तब्दील होता जा रहा है और इनके सफाई के नाम पे सिर्फ करोड़ों वसूले जा रहे हैं। तो आइए हम आपको और अन्य वार्डों के दिखाते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। इस वक्त हम लोधीपारा में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं ये कचरे का बना टीला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दमघोटू बदबू है, बताता नाली है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ जो डोर टू डोर कलेक्शन का कचरा गाड़ी है वो कभी कभी आता है और कभी नहीं आता। ये जो लापरवाही बरती जा रही है और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है सिर्फ कचरा और स्वच्छता के नाम पर। लेकिन हम मौके पर देखें तो किस तरह से यहाँ पे कचरा का ढेर बना हुआ है, पूरा राजधानी धीरे धीरे कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, गंदगी से लोगों का जीना दुभर है। तो सवाल उठता है कि इस पर किस तरह की आगे की कार्रवाई होगी। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। दरसिंहा का श्यामा चरण कॉलेज इन दिनों असुविधाओं का शिकार है। इस कॉलेज में करीब 1000 विद्यार्थी हैं लेकिन सुविधाओं का हाल बेहाल है। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों की कमी है और कुछ टीचर तो खुद ही दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं। कॉलेज में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसके साथ ही कॉलेज के नए भवन में भी दरारें पड़ने लगी हैं। कॉलेज में गंदगी रहती है और पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थियों ने समस्याओं के समाधान की मांग की है। यार कहाँ कहाँ के रहने वाले आप? कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर साइकिल से आती है? जी सर। क्या नाम आपका? कहाँ पढ़ती हैं? श्यामाचरण, पंडित श्यामाचरण कॉलेज। अच्छा, और कोई सुविधा नहीं है? नहीं। हम लोग सर बीएससी बस में 150 से 180 छात्र हैं एक ही क्लास में। यहाँ बीएससी प्रथम द्वितीय तृतीय दिनों है, बीए प्रथम द्वितीय तृतीय। ये कब से बंद पड़ा पानी? काफी चालू नहीं हुआ अभी सर। क्या खराबी किसी को बोले? सर लोग देख रहे हैं उसके बावजूद यहाँ दे रहे हैं। गणित द्वितीय का छात्र हूँ यहाँ। यहाँ लाइब्रेरी है तो वहाँ दो स्टूडेंट बैठते हैं, उसके बाद कोई सीट नहीं है तो लाइब्रेरी की समस्या है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक समय पढ़ के निकल चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ फर्स्ट ईयर। यहाँ कंप्यूटर है किंतु हमें सुविधा नहीं मिल पा रही कंप्यूटर की अच्छे से। इसी तरह बहुत समस्याएं हैं। बता देना चाहता हूँ आपको मैं कि यहाँ जो पेयजल की व्यवस्था है बहुत ही नहीं है। और जो स्टाफ की जो टाइमिंग का टाइमिंग मतलब जो टीचर है बहुत टाइम में टाइम से लेट आते हैं। ये समस्या है कि अभी ट्रांसफर होकर के हिंदी की प्रोफेसर एक हो गई, एक अतिथि अध्यापक जाती है। और एक और कोई बताते हैं कि स्वास्थ्य जिनका खराब चलता है उसके कारण कोई टीचर एक आते नहीं। हाँ, जी हाँ। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि वो कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। उद्धव नगर विकासखंड सिविल अस्पताल का हाल इन दिनों काफी बुरा है। यहाँ दूर दराज से कई प्रकार के मरीज बारिश में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं लेकिन अस्पताल परिसर में इन्हें पानी के लिए साफ जो पीने के लिए जो पानी होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। पूरे अस्पताल में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। दो आरओ सिस्टम लगे होने के बावजूद भी रखरखाव के अभाव में मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पूर्व क्षेत्रीय दौरे पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी स्वास्थ्य विभाग ने मूलभूत आवश्यकताएं नहीं बताई। हाल ही में उल्टी दस्त के शिकार पर एसडीएम और स्वास्थ्य अमला विकासखंड के ग्राम तगुवा में गया था और पीड़ितों के बेहतर उपचार की व्यवस्था कराई थी और शुद्ध पानी पीने की सलाह भी दी थी लेकिन हॉस्पिटल में आए मरीजों ही दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे जो पीछे आरओ लगा है उससे पानी तो आ ही नहीं रहा है
और सामने नल लगा हुआ है, उससे भी पानी सही शॉट नहीं मिल रहा है। यहाँ तो पानी है ही नहीं, मतलब हमको पानी मिलने नहीं पा रहा है। हम दूर से पानी लेके आते हैं और हमको हॉस्पिटल में उपस्थित होना चाहिए था वो, क्योंकि मरीज को की जरूरत पड़ जाता है। न टॉयलेट में पानी आ रहा है, न कहीं भी नहीं आ रहा। मैंने पूछा भी था एक प्रथम भ्रमण के दौरान, तो उस समय एक चल रहा था और सही था, तो लेकिन दूसरा और एक था उसको बनाने के लिए बोला था। वायरिंग पुरानी हो चुकी है, तो वायरिंग पुरानी हो चलते कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो जाता तो या कनेक्शन लूज हो गया तो पॉइंट काम नहीं करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अभी वहीं तमनाम में पुलिया बह जाने के बाद से लेलुंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार ने जांच की मांग की है और 14 अगस्त को देवगढ़ पुल बह जाने की दुर्घटना का एक ट्रेलर चालक की मौत हो गई थी। वहीं कार बह जाने से 5 लोगों को ग्रामीण रेस्क्यू करके बचाया था। शनिवार की रात बारिश में धोरा भाटा खरुसलेंगा सड़क पुलिया सहित बह जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन घटिया पुलिया निर्माण से ग्रामीण जनों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। जिंदल अच्छा, ये रोड है बनी कितने क्या साल हो गए? 3 साल। अच्छा, बढ़िया गुणवत्ता में हो रही है कि टेम्परेरी बना रही? टेम्परेरी खत्म है। हाँ, खत्म है। अच्छा, कौन बना रही थी रोड ला? जिंदल वाला। वहीं पड़विया कवर्धा नेशनल हाईवे सड़क को जोड़ने वाला पुराना पुल 45 से 50 वर्षों से जर्जर स्थिति में है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग प्रशासन से की थी, लेकिन लोगों की मांग नहीं सुनी गई। विगत पिछले 5 वर्षों से इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों में खतरा है। मुंगेली जिले में भारी बारिश से लोरमी का खुड़िया बांध लबालब हो गया है, जिससे बांध के सुंदर नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। कटघोरा में सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। मवेशी रात में भी सड़कों पर बैठे रहते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। गाय वगैरह जो भी जानवर हैं ये सब रोड पे आके बैठ रहे हैं, इससे वाहन जो है से उनकी दुर्घटनाएं हो रही हैं, या तो उनकी मौत हो जा रही है या उससे दुर्घटनाग्रस्त होकर। बेमथुरा में लगातार विगत 4 वर्षों से सूखे की मार झेल रहे जिले में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश से अन्नदाताओं में खुशी की उम्मीद जागी है। जहाँ किसानों की माने तो यह बारिश सोयाबीन के लिहाज से तो उपयुक्त है, परंतु धान की फसल के लिए बेहद कम है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।